वेलकम टू speedlearning.com। तो हम लोग करेंसी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं। करेंसी ट्रेडिंग क्या चीज़ है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेन एक्सचेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अलग अलग देशों की करेंसी को जब एक दूसरे के अगेंस्ट ट्रेड किया जाता है तो यही फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाता है। ग्लोबल लेवल पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम से किया जा रहा है। अलग अलग ब्रोकर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो आपको अकाउंट्स अवेलेबल करवा रहे हैं और आप उनमें भी काम कर सकते हैं। दूसरा, हमारे नेशनल लेवल पे MCXSX और NSE ने करेंसी ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर्स शुरू किए हैं जिनमें आप और आसानी से बगैर किसी प्रॉब्लम के कम से कम मार्जिन में ट्रेड शुरू कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों को समझना है कि करेंसी का आखिर कंसेप्ट क्या है। सपोज US की करेंसी डॉलर है तो हम अकेले डॉलर का वैल्यूएशन नहीं कर सकते। डॉलर का वैल्यूएशन किसी पेयर के साथ में होगा तो पेयर में यहाँ ट्रेडिंग होती है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि डॉलर को मुझे खरीदना है और रुपी को बेचना है तो मैं USD INR का पेयर खरीदूंगा। तो डॉलर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रुपी के अगेंस्ट तो मुझे फ़ायदा होता चला जाएगा। और इसके बजाय मुझे ऐसा लगता है कि रुपया बढ़ने वाला है और डॉलर गिरने वाला है तो फिर मैं USD INR को शॉर्ट करूंगा। उसकी शॉर्ट सेलिंग होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्टॉक मार्केट कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। तो आपने एक पेयर को ख़रीदा, सपोज अभी डॉलर चल रहा है 66 रुपीज़ 30 पैसा और इसमें आखिरी 3 या 4 decimal place तक ट्रेडिंग होता है। तो हमने अगर बोला कि 66 रुपीज़ 30 पैसा है ना, तो अगर हम मूवमेंट आगे 300 से 310 या 320 तक गया तो भी आपको वहाँ पे फ़ायदा होने वाला है और वो फ़ायदा काफ़ी बड़ा होता है। इसमें काफ़ी कम मार्जिन के साथ आप कारोबार कर सकते हैं। यहाँ पे एयर में ट्रेडिंग है। फॉरेक्स ब्रोकर एक इंटरमीडियरी होते हैं जो आपका जो सौदा है उसको ले लेते हैं और उसको ओपन मार्केट में पुट करते हैं और वहाँ पे रखने के बाद में जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपके अकाउंट में एडजस्ट करते चले जाते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई सेंट्रलाइज मार्केट से नहीं होती। जैसे हम स्टॉक मार्केट या कमोडिटी को देखते हैं तो एक सेंट्रलाइज मार्केट है, स्टैंडर्ड प्राइसेज हैं हर जगह, वो प्राइस एक जैसी है। यहाँ ऐसा नहीं है। अलग अलग ब्रोकर के पास जो रेट आपको दिख रहे हैं उसमें थोड़ा फ़र्क हो सकता है और रेट का ये जो फ़र्क है बिड प्राइस और आस्क प्राइस में जो डिफरेंस है वही स्प्रेड कहलाता है, वही ब्रोकरेज की तरह काम करता है। अब इसमें एक टर्म होती है PIP, PIP। PIP का फुल फॉर्म पॉइंट इन परसेंट। तो PIP वो छोटा सा बेसिक यूनिट है जिसके साथ कोई करेंसी मूवमेंट करती है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि एक करेंसी का 1% वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट किया तो उस 1% का 1/100 हिस्सा एक PIP कहलाएगा। तो PIP में मूवमेंट होते हैं। PIP को हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट मूवमेंट इन एनी करेंसी पेयर, 1 basis point वो PIP कहलाएगा। PIP के लिए बिड और आस्क प्राइस में जो डिफरेंस है वही स्प्रेड है और इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल ब्रोकर काम कर रहे हैं वो वही चीज़ कि एक्चुअल प्राइस जो है और आपसे जो पेमेंट ले रहे हैं उसके बीच में एक डिफरेंस होता है वो उनकी ब्रोकरेज का काम करता है, है ना। इसमें लिवरेज काम करता है। लिवरेज क्या चीज़ है कि हम बहुत कम पैसा देके उससे 10 गुना 50 गुना या 100 गुना तक का लिवरेज ले सकते हैं। तो आप सिर्फ आपके पास 5,000 रुपया है तो भी आप 5 लाख तक की पोजिशन या 4 लाख तक की पोजिशन बना सकते हैं। ये ब्रोकर टू ब्रोकर उनका अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होगा, चीज़ें वरी करेंगी, लेकिन अभी मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। तो मेनली 4 अलग अलग करेंसीज हैं जिनका ट्रेड होता है हमारे यहाँ पे। तो वो है अमेरिकन डॉलर INR, USD INR मतलब अमेरिकन US डॉलर और INR का पेयर। दूसरा है GBP INR, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग पाउंड INR। उसके बाद है यूरो EUR INR मतलब यूरो और INR का पेयर। और चौथा है आपका JPY INR जापानीज येन और INR। तो इन सब के आपने अलग अलग साइज और मूवमेंट है। इसको डिटेल में हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेडिंग और चार्टिंग के साथ
वो उनकी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ ये जानना जरूरी है कि करेंसी ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस रहा है, जिसमें हर साल टर्नओवर बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस की तरह है, क्योंकि स्टॉक मार्केट और कमोडिटी में लोग काम करते हैं, उनमें मूवमेंट ज़्यादा होता है, लेकिन करेंसी तो एक बेसिक चीज़ है जिसमें सभी को इन्वॉल्व होना पड़ता है, इसलिए जाहिर है कि इसका टर्नओवर ज़्यादा होगा। और ग्लोबल लेवल पे 24 आवर मार्केट है, कहीं ना कहीं करेंसी का मार्केट चल ही रहा होता है। हमारे यहाँ पे इसका टाइमिंग है 9 to 5, तो इसकी आगे डिटेल हम एक एक करके लेना शुरू करेंगे। आपको इसके आर्टिकल्स, वीडियो लेसन्स और टेलीफोनिक क्लासेस मिलती चली जाएगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड है हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। www.speedlearning.com